आज सुबह 9 बजे किया जाएगा महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम, 5 डॉक्टर्स की टीम करेगी पोस्टमार्टम। प्रयागराज में आज दोपहर 12 बजे दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि, श्री बागंबरी मठ में ही दी जाएगी भू समाधि। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर की आज मीटिंग में मुंतखब किया जाएगा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का नया सदर। बलवीर गिरी होंगे महंत नरेंद्र गिरी के जानशीन, महंत ने अपनी वसीयत में बलवीर गिरी को करार दिया था जानशीन। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर सुलगते सवाल, दो रंग की स्याही का इस्तेमाल दो तरीके से लिखी हुई। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में एक और इंकशाफ, पुलिस पूछताछ में शागिर्द आनंद गिरी ने बताया दुकान बेचने को लेकर दोनों में अलग। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में मठ के 11 लोगों की तलाश, पुलिस की 4 टीमें दे रही है दबिश, मामले की पड़ताल के लिए 18 रुकनी SIT का तश्कील। महंत नरेंद्र गिरी ने आज पेज के सुसाइड नोट में लिखा, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, मेरी मौत के लिए आनंद आद्य प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी जिम्मेदार। सुसाइड लेटर में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा, मैं आनंद गिरी की वजह से बहुत परेशान हो चुका हूं, किसी खातून के साथ मेरी फुहस तस्वीर वायरल करने की दे रहा है। सुसाइड लेटर में नरेंद्र गिरी ने लिखा, मैं बदनामी के साथ कैसे जी पाऊंगा, इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूं, प्रयागराज पुलिस मेरे कत्ल के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। 13 सितंबर को ही खुदकुशी करना चाहते थे नरेंद्र गिरी, सुसाइड नोट में किया जिक्र, खुदकुशी करने की नहीं हुई हिम्मत। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी, आद्य तिवारी, संदीप तिवारी और अनंत गिरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सिपाही अजय सिंह को लिया गया हिरासत। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में गिरफ्तार अनंत गिरी से पूछताछ में बड़ा इंकशाफ, इमलाक को लेकर था तनाजा, पुलिस ने अनंत गिरी का मोबाइल फोन जब्त किया, आज कोर्ट में पेशी। मानपुर असरार मौत मामले में SP के बड़े लीडर से प्रयागराज पुलिस कर रही है पूछताछ, SP लीडर और आद्या तिवारी से आमने सामने बैठ कर पूछताछ। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी को UP सरकार के वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने पेश किया खराज अकीदत, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी ने भी पेश की खराज अकीदत। महंत मौत मामले में स्वामी चिन्मयानंद स्वामी का बयान, कहा नरेंद्र गिरी का कत्ल किया गया है, यूपी में संतों के खिलाफ की जा रही है साजिश। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी के इंतकाल के बाद किन्नर अखाड़े में भी शोक की लहर, किन्नर अखाड़े ने CBI जांच का मुतालबा किया। महंत नरेंद्र गिरी के इंतकाल के बाद जी मीडिया की टीम पहुंची उनके गांव अलेखाना ने पुरअसरार मौत के मामले में CBI जांच का किया मुतालबा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाए पिटीशन, हाई कोर्ट से वकीलों ने CBI जांच का मुतालबा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सियासत गरमाई, शिवसेना ने नरेंद्र गिरी की मौत पर मुवादा, पालघर में साधुओं की लिंचिंग से की। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर कांग्रेस का यूपी सरकार पर हमला, कहा योगी राज में संत भी महफूज नहीं। आज अमेरिकी दौरे के लिए रवाना होंगे PM मोदी, अमेरिका में वजीर आजम मोदी की सदर जो बाइडेन से होगी मुलाकात। PM मोदी के साथ वजीर खारजा और NSA चीफ अजित डोवाल भी रहेंगे मौजूद, PM मोदी 3 बड़े समिट में लेंगे हिस्सा। 23 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया और जापान के PM से अलग अलग दो तरफा बातचीत करेंगे मोदी, अमेरिका के टॉप CEO से करेंगे मुलाकात। 24 सितंबर को PM मोदी और जो बाइडेन की वॉशिंगटन में दो तरफा मीटिंग, कारोबार, सरमाएकारी और सिक्योरिटी के मुद्दे पर होगी चर्चा। PM मोदी और जो बाइडेन के बीच अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बातचीत, दहशतगर्दी और चीन पर दोनों लीडरान के बीच होगी बातचीत।
24 सितंबर को ही क्वाड इजलास में शामिल होंगे पीएम मोदी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन क्वाड ग्रुप के मीटिंग की करेंगे मेजबानी। पच्चीस सितंबर को होगी यूएनजीए में पीएम मोदी की तकरीर। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल मुनकियत का भी करेंगे मुतालबा। वजीर खारजा जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा मरीन पेन से की मुलाकात। हिंद शोबाई खित्ते में मौजूद सूरत हाल को लेकर हुई चर्चा। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी होंगे अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वजारत दिफा ने दी जानकारी। 1 अक्टूबर को एयर मार्शल बीआर चौधरी संभालेंगे नई जिम्मेदारी। 30 सितंबर को मौजूदा फजाइया सदर आरकेएस भदौरिया होंगे रिटायर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों से फोन पर की बातचीत। अफगानिस्तान बहरान और दहशतगर्दी पर हुई चर्चा। मैक्रों ने हिंदुस्तान की वैक्सीन मैत्री की तारीफ की। दिल्ली में एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर हुई तोड़फोड़। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंद सेना के कारकुनान ने ओवैसी के घर पर एहतजाजी मुजाहरा कर तोड़फोड़ की। कारकुनान ने ओवैसी पर हिंदू मुखालिफ बयान देने का इल्जाम लगाया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। कहा जम्मू कश्मीर को तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। सड़कों और गलियों के नाम बदलने से नहीं दूर होगी बेरोजगारी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। हाई कोर्ट ने उबूरी राहत देने से किया इनकार। अभिषेक बनर्जी ने की थी ईडी के नोटिस को रद्द करने का मुतालबा। दिल्ली दौरे पर पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात। पंजाब कैबिनेट में बड़े फेरबदल का इम्कान। दोनों नायब वजीर आला और नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी का किया मुजाहरा। 130 एमएम तोपों और K9 ब्रज से थर्राया रेगिस्तान। बीकानेर में पाकिस्तानी सरहद से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर फौज की जंगी मशक। आर्टिलिया रेजिमेंट ने किया सालाना तरबियत। किसी भी चैलेंज से निपटने की तैयारी। सार्क मुल्क के वज़राए खारजा की मीटिंग हुई रद्द। वजह बनी पाकिस्तान का तालिबान फ्रेम। पच्चीस सितंबर को होने वाली थी सार्क ममालिक की वज़राए खारजा की मीटिंग। पाकिस्तान तालिबान को शामिल करने की जिद पर अड़ा था। अफगानिस्तान में तालिबान की उबूरी हुकूमत में नए वजीर नायब वजीर बढ़ाए गए। माली टीम का की गई तौसी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इक्तेसादी बहरान संकट। 150 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स बंद। तालिबान के गुटों में आंतरिक दरार उभरने से साइड इफेक्ट्स। मुल्ला बरादर को बंधक बनाने और हेबतुल्ला अखंडजादा की मौत की खबर। ताइवान पर कब्जे की धमकी देने वाले चीन का झूठ। यूएन में शी जिनपिंग बोले चीन ने कभी दूसरे मुमालिक पर हक जमाने की कोशिश नहीं की और ना ही करेगा। अमेरिका के सदर बाइडेन ने 73वीं अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली को किया खिताब। कहा कोरोना वबा से दुनिया को हुआ है शदीद नुकसान। यूएनजीए में बोले बाइडेन हमने अफगानिस्तान में 20 साल की जंग को खत्म किया। सिफारती दरवाजे खोले। यूएनजीए में बाइडेन ने कहा अमेरिका नहीं चाहता नया कोल्ड वॉर। हम किसी भी मुल्क के साथ काम करने को तैयार। अफगानिस्तान में साबिक सदर हामिद करजाई ने की खातून की तालीम की वकालत। कहा लड़कियों को जाना चाहिए जल्द ही स्कूल। तालिबान राज में काबुल में खुलने लगे हैं स्कूल। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाने लगी लड़कियां। लोगों ने कहा लड़कियों को आला तालीम लेने से नहीं रोकेगा तालिबान। बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान का आज से यूपी दौरा शुरू। धर्मेंद्र प्रधान के साथ कई दीगर मरकजी वजीर और एमपी भी पहुंचेंगे लखनऊ।
यूपी के पार्टी हेडक्वार्टर पर होगा इज्तिमाई इजलास, आने इंतखाबी हिकमत अमली और तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। यूपी के बिजनौर में सीएम योगी ने किया राजकीय मेडिकल कॉलेज की संग बुनियाद, बोले 18 महीने में बनकर होगा तैयार। ऑपोजिशन पर भी तंज, कहा गुज़िश्ता सरकारें ऑपोजिशन की पॉलिसी पर चलती थी। यूपी के संभल में सीएम योगी ने अवामी जलसे को किया खिताब, कहा हमारी हुकूमत ने वेस्ट यूपी की बहन बेटियों का वकार लौटाया। यूपी के संभल में योगी आदित्यनाथ का एसपी पर बड़ा हमला, एसपी को खातून मुखालिफ और हिंदू मुखालिफ बताया। संभल में सीएम योगी ने कहा यहाँ पर कुछ लोग तालिबान की हिमायत करने वाले, तालिबान के जुल्म किसी से छिपे नहीं। यूपी के मिशन 2022 को लेकर लखनऊ में सियासी सरगर्मियां तेज, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शिवपाल यादव से की मुलाकात। यूपी में नोएडा अथॉरिटी ने दो बिल्डर्स के खिलाफ की कार्रवाई, दोनों बिल्डर्स पर अथॉरिटी ने एनजीटी के हुक्म के खिलाफ फर्जी करने का इल्जाम लगाया। यूपी के अलीगढ़ में माफिया बाबुल प्रधान ने शख्स को जमकर पीटा, शख्स पर माफिया की भतीजी को छेड़ने का इल्जाम। यूपी के झांसी में बच्चों के में हुए झगड़े को लेकर तशद्दुद झड़प, दो फरीक ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला, दो लोग जख्मी। यूपी के अलीगढ़ में डीएम दफ्तर अहाते में पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स, पुलिस कार्रवाई से नाराज शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की, बाद में शख्स को नीचे उतारा गया। यूपी के नोएडा में शौहर पर लगा बीवी और बेटे को बेल्ट से पीटने का इल्जाम, मामूली तनाजे के बाद मारपीट करने का मामला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पटना में आरजेडी का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, आज पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे खताब। झारखंड के औरंगाबाद में कालाबाजारी के खाद को किसान ने पकड़ा, ट्रैक्टर रोक कर किया एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस ने किसानों पर किया लाठीचार्ज। बिहार गोपालगंज में इंजीनियर का गोली मारकर कत्ल, पुलिस ने मरने वाले के जख्मी वालिद को हिरासत में लिया। झारखंड के दुमका में आज सीएम सोरेन सोना सोबरन थोड़ी साड़ी योजना का करेंगे आगाज, कई और मंसूबों की भी रखेंगे संगे बुनियाद। झारखंड में कांग्रेस ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन का मुतालबे को लेकर किया एहतजाज, बीजेपी ने कांग्रेस की नियम पर उठा सवाल, जेएमएम ने की हिमायत। झारखंड के गिरिडीह में हथियारों ने जमकर मचाई तबाही, घरों की चार दीवारी तोड़कर फसलों को किया बर्बाद, महकमा जंगलात की टीम ने हाथियों को खदेड़ा। झारखंड में साइबर मुजरिमीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जामताड़ में 11 और देवघर में 7 साइबर मुजरिम गिरफ्तार। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश के खंडवा में सीएम शिवराज ने खोला योजनाओं का पिटारा, बोले कमलनाथ सरकार ने किया बंद दार, अब गड़बड़ करने वालों को होगी जेल। मध्य प्रदेश के धार में युवक युवती और नाबालिग बच्ची से बर्बरता का वीडियो वायरल, 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में निजी अस्पताल के संचालन और अपहरण मामले का खुलासा, अस्पताल के ही दो डॉक्टर्स पर लगा है इल्जाम। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में लगातार बारिश किसानों के लिए बनी परेशानी, खेतों में भरा पानी, फसलों का हुआ नुकसान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हाई कोर्ट नक्सल जोड़े ने डाले हथियार, दोनों पर घोषित था 9 लाख का इनाम। राजस्थान में आज गहलोत काबीना और वुजरा काउंसिल की मीटिंग, 3 अहम एजेंडों पर होगा डिस्कशन। राजस्थान के अजमेर में शराब के ठेके पर बदमाशों की दहशत, डिस्काउंट नहीं देने पर मारपीट। पानी के लिए जयपुर में हल्ला बोल, मकामी लोगों ने आबी महकमे का किया घेराव, साबिक वजीर पर इम्तियाजी सुलूक करने का लगा इल्जाम।
मुल्क में अब तक 82 करोड़ लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। मंगलवार शाम 7 बजे तक 68 लाख लोगों का हुआ है वैक्सीनेशन। हिंद ब्रिटेन के बीच जल्द सुलझ सकता है कोविशील्ड का मुद्दा। एतराज जताते हुए हिंदुस्तान ने कहा कोविशील्ड को मंजूरी न देना इम्तियाजी सलूक। अजय शंकर ने ब्रिटेन के वजीर खारजा को कोविशील्ड के मुद्दे पर भी जवाबी कार्रवाई का इंतबाह, कहा जल्द करें हल। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कोरोना वबा नहीं, कुछ मामले आते रहेंगे, वैक्सीन लगवाना जरूरी। पंजाब में सियासी उठापटक के बीच हरियाणा कांग्रेस भी हुई एक्टिव। आज बुलाई कांग्रेस एमएलए दल की मीटिंग। गुजरात के सूरत में फायर स्टेशन की पुरानी इमारत को गिराया गया, मशीन की मदद से जर्जर इमारत को तोड़ा गया। हैदराबाद में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बनाया गया ग्रीन चैनल। ब्रेन डेड हुए शख्स का दिल तेज गति से लाया गया अस्पताल। नीम्स हॉस्पिटल में मरीज का हुआ ट्रांसप्लांट। अडानी ग्रुप 10 साल में करेंगे 1.47 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी एंट्री का प्लान तैयार। अमेजॉन के खिलाफ घूस देने का इल्जाम की जांच करेगी सरकार। मामले में पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुकी है दिग्गज अमेरिकी रिटेलर। सरमायाकारों का शेयर बाजार पर बड़ा भरोसा। स्टॉक मार्केट में अब रोजाना आ रहे हैं 1 लाख से ज्यादा नए सरमायाकार। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ दर्ज की जबरदस्त जीत। 2 रन से मुकाबला जीता। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 185 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 183 रन बना पाई थी।